दोस्तों, पूर्व भारतीय धुरंधर युवराज सिंह का मानना है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 3 मैचों का मुकाबला होना चाहिए था, क्योंकि मौजूदा कार्यक्रम के कारण विराट कोहली की टीम थोड़े नुकसान की स्थिति में है। गुरुवार को इंग्लैंड पहुंचने वाली भारतीय टीम 18 जून से साउथहैम्पटन में होने वाले टेस्ट मैच में सीमित तैयारी के साथ उतरेगी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। युवराज ने कहा, मेरा मानना है कि इस तरह की स्थिति में बेस्ट ऑफ 3 टेस्ट की सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पहला मैच गवा दो तो अगले 2 मैचों में वापसी कर सकते हो। भारत थोड़े नुकसान की स्थिति में है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम पहले ही इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रही है। हालांकि यह बराबरी का मुकाबला होगा, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम थोड़े फायदे की स्थिति में रहेगी। हालांकि इन सब के बावजूद युवराज का मानना है कि भारत का बल्लेबाजी क्रम केन विलियमसन की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड की टीम की तुलना में मजबूत है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि भारतीय टीम मजबूत है, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देश के बाहर जीत दर्ज की है। मुझे लगता है कि हमारी बल्लेबाजी मजबूत है और गेंदबाजी में हम उनके बराबर हैं। वहीं युवराज ने कहा कि रोहित के साथ केएल राहुल को ओपन करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज विस्फोटक खिलाड़ी हैं और दबाव को अपने ऊपर आने नहीं देते हैं। तो ऐसे में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर इसका अतिरिक्त दबाव होगा और इसका फायदा भारतीय टीम को मिलेगा। अगर इसमें से एक भी बल्लेबाज टिक गया तो भारत एक बड़ा स्कोर बना सकता है और फाइनल मुकाबले में हमारी जीत होगी।